नमस्कार, मैं श्री संजय कुमार दास ओडिशा कटक से बोल रहा हूँ। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट आज लिया है, देख लीजिए उस सेट को। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन सब देख लीजिए। नंबर वन, इफ द एरिथमेटिक मीन ऑफ 3a एंड 4b इज ग्रेटर देन 50। एरिथमेटिक मीन मीन्स 3a प्लस 4b बाय 2। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एरिथमेटिक मीन है 3a एंड 4b का इज ग्रेटर देन 50। इसका मीन कितना आएगा, ग्रेटर देन 50 आएगा, क्वेश्चन बोल रहा है। एंड a इज ट्वाइस ऑफ b, सो दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a इज इक्वल टू 2b, राइट। देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटेजर वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू स्मॉलेस्ट कितना होगा, क्वेश्चन बोल रहा है। सपोज हम पहले 20 ऑप्शन को लेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटेजर सपोज 20, राइट। हमारा इक्वेशन क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू 20, सो दैट b इज इक्वल टू 10, राइट। सो 3a प्लस 4b बाई टू ग्रेटर देन 50। a कितना है 20 है, b कितना है 10 है, 20 और 3 60 हुआ, 10 4 40 हुआ, 60 40 100 बाई टू, वो भी 50 हो जाता है, इक्वल हो जाता है। बट व्हाट द क्वेश्चन इज सेड, जे 3 एंड 4 भी जिसका जो एरिथमेटिक मीन वो 50 से ग्रेटर होगा, बट इन दिस केस इज इज इक्वल टू इट इज 50, सो दैट द राइट ऑप्शन इज 2, 21 इज द आंसर। 20 नहीं होगा बिकॉज 20 होने से वो 50 हो जाता है, ग्रेटर देन 50 नहीं होता है, 21 होने से ग्रेटर देन 50 हो जाएगा, राइट। नंबर टू, ए स्कूल ग्रुप चार्टर 3 आइडेंटिकल बसेस। ए स्कूल ग्रुप स्कूल है, उसका 3 आइडेंटिकल बस है, 3 इक्वल बस है, आइडेंटिकल मीन्स क्या इक्वल है, एंड ऑक्युपाइज 4/5 ऑफ द सीट्स। और जो तीनों बस का, तीनों जो बस है आइडेंटिकल बस है, उसका 4/5 सीट्स ऑक्युपाई होता है। लड़का लड़की बैठते हैं, आफ्टर 1/4 ऑफ द पैसेंजर स्लीप, उस बस में क्या हुआ, 1/4 ऑफ द पैसेंजर स्लीप, बस से निकल गए, बस से द रिमेनिंग पैसेंजर यूज ओनली 2 ऑफ द बस। 1/4 लीप करने से वो जो पैसेंजर बच गया वो क्या किया ना, दोनों में तीन तो बस को छोड़ दिया, एक तो बस को छोड़ दिया, दोनों बस में वो ट्रैवल किया। द फ्रैक्शन ऑफ द सीट्स ऑन द टू बसेस, वो दोनों बस का सीट का फ्रैक्शन क्वेश्चन मांग रहा है, दैट आर नाउ ऑक्युपाइड। अभी बस में जितना सीट ऑक्युपाइड है उसमें जितना सीट फिलअप है उसका फ्रैक्शन मांग रहा है। चलिए सपोज 1 बस आज 100 पैसेंजर्स, सपोज 100 पैसेंजर्स, सो दे 3 बस कैरिज 100 इंटू 3 300 पैसेंजर्स, बट द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑक्युपाइड सीट इज 300 का 4/5 होगा, तो 300 का 4/5 कितना होगा, 5 से 3 से रिड्यूस करने से 60, 240 होगा। वो जो 240 है 1/4 लीप, वो 240 से 1/4 बस से निकल गए, तो 240 इंटू 1/4 सो इट इज 60, सो 240 टोटल था, 60 निकल गए, 180 रिमेन रहा बस में, टोटल था कितना, बस दोनों बस था सीट कितना हम तक किए थे 100 200, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, 180/200 और आइदर रिड्यूस करने से 9/10, द आंसर इज 4, राइट। नंबर 3, लेट पी एंड क्यू बी द टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल कीजिए, देखिए उसका पी एंड क्यू दोनों पॉइंट है ऑन द सर्कल, उस सर्कल का पी एंड इज क्यू, दोनों सर्कल, ये जो सर्कल है उसका पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है ओ, क्वेश्चन में बोल रहा है ओ। इफ टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, वो जो सर्कल में दोनों टेंजेंट है, एक पी पॉइंट पे है एक क्यू पॉइंट पे है, अभी सर्कल
ट्रोपियन क्यू मीट अटे ए में मीट किया है विथ पी ए क्यू एंगल, जो पी ए क्यू एंगल है वो एंगल 48 डिग्री है, राइट। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ ए पी क्यू, ए पी क्यू एंगल कहां है, ए है पी ए क्यू, वही एंगल मांग रहा है। एक काम कीजिए, दोनों रेडियस को जॉइन कीजिए, दोनों रेडियस को ज्वाइन करने से जो ओ पी ए क्यू वो जो क्वाड्रिलेटरल आया है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल से उसका सम है 180 डिग्री, याद रखना। वो जो ए वाला एंगल है वो है 48, सो जो ओ वाला एंगल वो 180 माइनस 48, सो दैट इट इज 132। वो जो ट्रायंगल है पी ओ क्यू उसका एक एंगल 132 है, ओ पी ओ क्यू का साथ इक्वल है, क्यों ना दोनों सर्कल का रेडियस है, सो वो जो दोनों एंगल है ओ पी क्यू एंड ओ क्यू पी, जो दोनों एंगल है वो दोनों मिलाकर 48 है, सम ऑफ द एंगल इज 180, वन एंगल इज 132, सो 1:24, अदर इज 24, बट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड, ए पी क्यू एंगल, देखिए ए पी वही एंगल, जो वही एंगल वो टेंजेंट का ऊपर जो वही एंगल वो 90 डिग्री है, पूरा एंगल वो टेंजेंट का ऊपर वो 90 डिग्री है, उसमें 24 निकल गया, कितना बचा 90 माइनस 24 66 डिग्री, द आंसर इज 366 डिग्री। नंबर 5, द इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 cm, एक ट्रायंगल का इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, देखिए एक ट्रायंगल पहन लीजिए, ट्रायंगल उसका अंदर एक सर्कल है, इसीलिए बोलता है ये इन रेडियस, ये ट्रायंगल का अंदर में है, द इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 meter एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल मींस पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया है 50, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन स्क्वायर सेंटीमीटर, क्वेश्चन मांग रहा है वो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हा? जो ट्रायंगल का अंदर जिसका इन रेडियस जो सर्कल है उसका इन रेडियस 6 cm है, उसका एक तो फॉर्मूला है, थोड़ा याद रखने से हो जाएगा। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल याद रखेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना था 50 था, अब सेमी पेरीमीटर कितना हुआ 25 हुआ, इन रेडियस कितना क्वेश्चन में दिया है 6 दिया है, सो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 6 × 25 इज इक्वल टू 150, हियर इज द आंसर नंबर 1। नंबर 5, आज इन दैट ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल, वाटर का ड्रॉप तो स्फेरिकल ही होता है, एंड इट्स डायमीटर इज 1/10 ऑफ ए cm, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक स्पीयर है उसका 1/10, वो जो स्पीयर है ड्रॉप ऑफ वाटर स्फेरिकल एंड इट्स डायमीटर इज 1/10 ऑफ ए cm, 1 cm का 10th पार्ट जो होगा उसका डायमीटर इतना ही है, सो दिस रेडियस क्या होगा ना 1/2 इंटू डायमीटर 1/20। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कॉनिकल ग्लास हैज ए हाइट, ए कॉनिकल ग्लास है उसका हाइट इक्वल टू दी डायमीटर ऑफ द रिम, रिम क्या होता है जो 2πr है वो रिम है, हाई इक्वल टू दी डायमीटर ऑफ इट्स रिम, तो ने कॉनिकल ग्लास हैज ए हाइट, उसका हाइट इक्वल है किसका साथ इक्वल है ना टू द डायमीटर ऑफ इट्स रिम, रिम जब 2r होगा रेडियस r होगा तब तो हाइट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन हाइट 2r होगा, समझ गए हैं। अब आएंगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ 32,000 ड्रॉप्स ऑफ वाटर फिल द ग्लास कंप्लीटली, 32,000 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एक वाटर ड्रॉप का वॉल्यूम निकालेंगे, 32,000 ड्रॉप का वॉल्यूम निकालेंगे वही उसका वॉल्यूम होगा, हां तो आएंगे, वन ड्रॉप ऑफ वाटर वॉल्यूम कितना है, वो तो स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या है ना 4/3 πr³, 4/3 × πr कितना है 1/20 है का होल क्यू,
हमारे कितने ड्रॉपलेट है? 32,000 ड्रॉपलेट है, है? टोटल वॉल्यूम निकालेंगे कैसे? 32,000 ड्रॉपलेट जो है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई आर क्यू के साथ, राइट? सो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू इज 1/20 का होल क्यू, 1/8,000 इंटू 32,000 ड्रॉपलेट है, सो इंटू 32,000 ड्रॉपलेट, सो टोटल दी वॉल्यूम ऑफ दी वाटर 8,000 को 32,000 से रिड्यूस करने से 4 आ जाएगा, सो लास्टली हम पाए उसका वॉल्यूम 16π/3, राइट? 16π/3। इधर देखिए वॉल्यूम इधर कैसे निकलता है, वो जो वॉल्यूम तो निकला 16π/3, वो 16π/3 किसका साथ इक्वल है? वो जो कोन है उसका रेडियस है यार, उसका हाइट है 2r, राइट? रेडियस है वो, टोटल है 2r, वो जो रेडियस है r है, हाइट है 2r। सो जो 16π/3 ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इज इक्वल टू 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एस तो 2r है इंटू 2r, सो इसकी रिड्यूस करने से रिड्यूस कर देते हैं उसको, 3 रिड्यूस हो गया, पाई पाई रिड्यूस हो गया, 8 तन कितना आया, आर क्यू इज 8, सो आर इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? द हाइट ऑफ द ग्लास, हाइट ऑफ द ग्लास हमारा क्या था? 2r था, r 2 निकल गया, सो 2r कितना हुआ? 4 हुआ, सो द आंसर इज 4। नंबर 6, इफ फॉर एन आइसोसेलस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ इच इक्वल साइड इज है, वो एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? आइसो मींस टू, जो ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल होता है, थर्ड साइड इक्वल नहीं होता है, दोनों साइड इक्वल होता है, उसको आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते हैं। इफ फॉर एन आइसोसेलस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ इच इक्वल साइड इज ए, ए यूनिट्स ए दिया है, इक्वल साइड ए या ए, एंड दैट ऑफ द थर्ड साइड इज बी यूनिट्स, थर्ड साइड क्या है? बी यूनिट, देन इट्स एरिया, याद रखेंगे उस उसको उसका एरिया का फॉर्मूला क्वेश्चन में आता है, एरिया इज इक्वल टू बी बाई 4 रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है इक्वल साइड, बी है नॉन इक्वल साइड, सो दी आंसर ऑप्शन इज 3, बी बाई 4 रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, राइट? नेक्स्ट नंबर 7, ए पीस ऑफ वायर व्हेन बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, एक वायर को वो बेंड करके एक सर्कल कर दिया है, विल हैव ए रेडियस 84 cm, जो सर्कल वो किया है उसका रेडियस हुआ है 84 cm, राइट? इफ द वायर इज, यही वायर को बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर, हम एक स्क्वायर कर देते हैं उस वायर को लेकर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन से वो तो क्लियर हो जाता है, वो सर्कल का 2πr जो है 2πr, वो तो वो जो स्क्वायर है उसका 4a वही है, 4a मींस ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, 2πr मींस r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, वही बोल रहा है, पेरिमीटर क्या है स्क्वायर का 4a, वो उसका क्या है सर्कल का 2πr है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोनों इक्वल है तो 2πr इज इक्वल टू 4a, सो दिस इंप्लाइज 2 × 22/7, आर कितना दिया है 84 इज इक्वल टू 4 है, उसको रिड्यूस करने से 4 को रिड्यूस कर देते हैं 84 से 21, सो ए कितना आ जाता है, देखिए 7 को 21 से 3, लास्टली ये आ जाता है 132, देखिए ए इज इक्वल टू 132, साइड ऑफ द स्क्वायर पूछ रहा है, सो आंसर इज हियर 132। नंबर 8, 3 − 5x होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 − 5y होल डिवाइडेड बाई 2y प्लस 3 − 5z होल डिवाइडेड बाई 2z इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है, x, y, z तीन ठो अननोन है, इक्वेशन एक तो है, कभी सॉल्व नहीं हो सकता है इफ यू डोंट अज्यूम समथिंग, आपको कुछ अज्यूम करना होगा, मैं अज्यूम क्या हूं, सपोज 3 − 5x होल डिवाइडेड बाई 2x वो भी जीरो है, वो भी जीरो है, 3 − 5y / 2y वो भी जीरो है,
वो तीनों जीरो होने से तीन को मिलाकर जीरो हो जाएगा। इफ 3 - 5x होल डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू जीरो, देन 3 - 5x इज इक्वल टू जीरो, देन 3 = 5x, देन x इज इक्वल टू 3/5। ऐसे y भी कितना होगा, वही होगा 3/5। z कितना होगा, वही होगा 3/5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2/x, पहले तो 1/x से 5/3, 2/x से 10/3, राइट, 2/x से 10/3, ऐसे तीनों 10/3 आ जाएगा, 10/3 प्लस 10/3 प्लस 10/3, वो तीनों मिलाकर में क्या होगा, 30/3, सो 30/3 जे 10, सो द आंसर ऑप्शन इज 10, राइट। नंबर 9, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ होल इन टू एक्स प्लस वन यूनिट, एक्स स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर है उसका साइड क्या है, हाफ ये जो एज है साइड वो है ए इज इक्वल्स टू हाफ होल इन टू एक्स प्लस वन, राइट, उसका साइड है। एंड इट्स डायगनल इज, उसका डायगनल क्या है, 3 - x / √2, देखिए हो गया। वो तो अब जानते हैं जो साइड का साथ, स्क्वायर का जो साइड है उसका साथ रूट टू मल्टीप्लाई कर देने से हाइपर डायगनल आ जाएगा, वो ए साइड ए होने से डायगनल कितना होगा, रूट टू है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइड क्या है, हाफ होल इंटू एक्स प्लस वन इंटू रूट टू कर देने से वो स्क्वायर का डायगनल हो गया, वो स्क्वायर का डायगनल दिया क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 - x होल डिवाइडेड बाय रूट टू, उसको रिड्यूस करने से है कितना आएगा, ना एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3 - x, सो एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज 2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। आंसर क्वेश्चन क्या बोला है, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर रूट बी 1 यूनिट, आंसर इज 1 यूनिट। नंबर 10, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस R and S, यू आर है वो एस है, इज 42 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस क्या है, 42 किलोमीटर। अनिता स्टार्ट फ्रॉम आर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, स्पीड कितना था अनिता का, 4 किलोमीटर पर आवर, राइट, 4 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स एस, एंड एट द सेम टाइम रोमिता स्टार्टेड फ्रॉम एस, सेम टाइम वो जिस टाइम में निकला वो भी वही टाइम में निकला, सेम टाइम रोमिता स्टार्ट फ्रॉम एस टुवर्ड्स आर विद द सम यूनिफॉर्म स्पीड, किस यूनिफॉर्म स्पीड में आया है, लेट इट बी एक्स, दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स आफ्टर वो मीट किया, वो दोनों मीट हुए, द स्पीड ऑफ द रोमिता इज, पहले स्पीड का फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस सॉरी टाइम का फॉर्मूला तो वही है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यहां स्पीड दोनों है, दोनों अपोजिट डिरेक्शन में आते हैं, जब अपोजिट डिरेक्शन में आते हैं, एक का स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का स्पीड मैं लेट किया हूं x किलोमीटर पर आवर, सो रिलेटिव स्पीड क्या हुआ, 4 + x किलोमीटर पर आवर, राइट, डिस्टेंस क्या था 42 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड किया हुआ 4 + x, टाइम क्या दिया है क्वेश्चन में, 6 आवर्स, सो दैट इज इक्वल टू 6, राइट, सो इसको रिड्यूस कर देने से 6 × 42 रिड्यूस कर देने से 7 इज इक्वल टू 4 + x, सो x इज इक्वल टू 3, सो द आंसर इज 3 किलोमीटर, सो आंसर इज 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय द ग्राफ्स, एक ग्राफ कर लेते हैं, एक ट्रायंगल करते हैं, फॉर्म बाय द ग्राफ, अभी इक्वेशन दिया है x = 4 y = 3, है एंड 3x + 4y = 12, देख लीजिए वो जो इक्वेशन है 3x + 4y = 0, 3x + 4y उसको जीरो कर देने से, उसको जीरो कर देते हैं, तब x जब जीरो होगा
3x0 होगा, 3x plus 4y is equal to 12, so x is equal to 0, so 4y is equal to 12, so y is equal to 3, अरे बात, 3x plus 4y is equal to 12, x हम 0 लेट किए, तो x को जो 0 लेट किए, 3x 0 हो जाएगा, so that 4y कितना होगा, 12 होगा, y कितना आएगा, 3 आएगा, ऐसे, if y is equal to 0, तो 4y 0 हो जाएगा, 3x आ जाएगा 12, तो x कितना आ जाएगा, 4, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, the question x is equal to 4, क्वेश्चन में दिया था, the area of the triangle of, triangle formed by the graph of the equation, x is equal to 4, y is equal to 3, and 3x plus y is equal to 12, तो उसका आंसर क्या होगा, area, area निकले, निकलेंगे, so area is equal to half into 3, देखा है 3, y axis में, half into x into y होगा, वो एक है 3, दूसरा वाला है 4, so half into 3 into 4, 2 को 4 से reduce करने से होगा 2, 3 to 6, answer is 6, so if you like my video, like it, share it and subscribe it, thank you.